सो हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो हमारा व्लॉग रहेगा वो रहेगा टीम 14 तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, बीआरपी वगैरह जो भी रहेगा। तो करते हैं स्टार्ट, लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीमोन फोर्ट यूनिवर्सिटी। अभी हम डीमोन फोर्ट यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो फाइनली आज मैं इस यूनिवर्सिटी में आया था। इस यूनिवर्सिटी में देखने को काफ़ी चीज़ें मिली। बीआरपी की प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि बीआरपी की प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि बीआरपी के लिए भी मैं गया था और फेस टू फेस वेरिफिकेशन होती है, उसके लिए बताऊंगा। तो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी ये लगी, मैं जब आया यहाँ पे इंडियंस भी मिले मेरे को, तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि बाहरली कंट्री में आ गया। ठीक है, सेकंड थिंग, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स का नाम हमारे इंडिया के नाम पे है। मैं गिर गया। ओके, म्यूजिक। या सॉरी टू से, तो यहाँ पे अभी देख सकते हो नाम जो है विद्या पाटिल बिल्डिंग, इंडिया के नाम यहाँ पे आज भी चल रहे हैं। ओह माय गॉड, एक्सप्लोर करेंगे आज। और इसके पास एक लेक भी है, रिवर कह सकते हैं, छोटी सी झील है, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। और कॉलेज के अंदर स्टारबक्स, खाने पीने का, एकोमोडेशन का। इवन जब हम अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें हमें ना एक एकोमोडेशन का बताया गया था, बैंडस कोर्ट। तो हमें उस टाइम तो पता नहीं था भाई बैंडस कोर्ट है क्या क्या नहीं है। ये खड़ी हमारे सामने बैंडस कोर्ट, इस बिल्डिंग का नाम बैंडस कोर्ट है, जो कि एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे यहाँ पे। और पॉइंट पर वीक है ना, फॉर एकोमोडेशन स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेफर यही करूँगा भाई, अपने किसी रिलेटिव के पास देख लेना स्टार्टिंग के मंथ में, जब तक जॉब वगैरह नहीं मिलती शेयरिंग में देख लेना, थोड़ी एक्सपेंस कम आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इस कंट्री में आपके एक्सपेंस इतने बढ़ते हैं ना, कोई हद ही नहीं है भाई। अभी तक मेरे भी खर्च हो चुके हैं, फिर कभी बताऊँगा कितने कहाँ पे खर्च हुए। तो और देखते हैं अभी प्रोसेस अभी बताऊंगा। अभी एक फ्रेंड और है मेरा, उसको वैसे एक्चुअली ज़्यादा पता क्योंकि मेरे से पहले आ चुका है, तो उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड हम कह रहे थे कि बीआरपी की प्रोसेस, अभी जैसे मैं गया था बीआरपी के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि फ़ेस टू फेस वेरीफिकेशन होगी। फ़ेस टू फेस वेरीफिकेशन के लिए उन्होंने मेरे से एड्रेस का प्रूफ मांगा। तो आप अगर किसी के पास एकोमोडेशन के लिए रुकते हो, तो उसके एड्रेस का प्रूफ जरूर ले लेना, ठीक है। बाकी आगे की प्रोसेस मेरे को अभी नहीं पता, मेरे को इतनी बताई गई। तो अभी विशाल है भाई मेरे साथ, ये यहाँ पे ऑलरेडी रह चुका है, इसको सारी प्रोसेस पता है, तो इससे पूछते हैं कि क्या सीन है, क्या सीन है भाई विशाल? देखो भाई, एक चीज़ है, सबसे पहले आपको बीआरपी के लिए चाहिए एड्रेस प्रूफ। अगर आपका मान लो सबसे पहले आप जहाँ भी रह रहे हो, रेंटर के पास रह रहे हो, किसी के पास भी रह रहे हो, उसको सबसे पहले पूछो भी आप मेरे को एड्रेस दे रहे हो। अगर वो कह रहा है भी हाँ मेरा एड्रेस यूज कर लो, तो एड्रेस यूज करने वाली बात नहीं है, एड्रेस तो यूज करेंगे, बट उन्होंने डॉक्यूमेंट में प्रूफ मांगा प्रॉपर, या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई मतलब डॉक्यूमेंट पे लिखा होना चाहिए लिखित रूप में कि आप उसके पास रह रहे हो। वही मतलब होता है, मान लो एक आपको पता होगा भी आप कहीं भी घर लेते हैं इंग्लैंड में, कहीं भी लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास कॉन्ट्रैक्ट आपको पता होगा भी आप इतने टाइम डॉक्यूमेंट में, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है किसके साथ, आपके रेंटर के साथ, तो आप उसके पास मतलब रह सकते हैं। तो वही आप लेने के लिए आप उसको पहले दिखाना पड़ेगा। और एक बात सबसे जरूरी बात कहना चाहता हूँ भाईयों, ये भी भाई ने आया है बीआरपी के बिना आपका कुछ भी नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा, क्योंकि जो पासपोर्ट है पासपोर्ट 3 महीने के लिए वैलिड है, अच्छी बात है, जेन्युइन बात है, कोई दिक्कत नहीं, बट भाई पासपोर्ट पे आप इतना काम नहीं कर सकते, मतलब आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है पासपोर्ट पे नहीं खुलेगा, ठीक है, आपको एनआई पे जॉब लेनी है नहीं मिलेगी, उसके लिए बीआरपी मैंडेटरी है, तो बीआरपी आपको बनवानी पड़ेगी। मतलब यही है भाई, और भाई जो एड्रेस प्रूफ की बात है,
उसका एक जुगाड़ मेरे को एक मेरे भाई ने बताया कि कैसे बनवा सकते हैं बीआरपी बिना एड्रेस प्रूफ के, तो उसका जुगाड़ मैं बताऊंगा, बट बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसको अगर दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, उसको भी बता दूंगा। और एक और बात है भाई, बीआरपी लो, उसके बाद अपना नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई करो जिसको एनआई बोलते हैं, क्योंकि उसके बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। उसका कुछ प्रोसीजर 15 to 20 days लग जाते होते हैं एनआई में आने में। उसके बाद अपना बैंक अप्लाई करो, जो भी आपकी अमाउंट है, जो भी पैसे है अपने बैंक अकाउंट में डालो, उसके बाद फिर ही आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगी। कम से कम आप 2 bank में अकाउंट तो खुलवाओ ही खुलवाओ। उससे क्या होगा कि एक तो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड होगा, उसके तुम्हें काफी मतलब काफी चीजें तुम्हें हेल्प करेंगी क्रेडिट स्कोर में। और सेकंड भाई, अगर तुम्हें एड्रेस प्रूफ नहीं भी मिलता, तुम्हारा भाई बैठा है, दिन रात कमेंट करो, मैसेज करो, कॉल करो, जितना हो सकता है हेल्प करेंगे, डोंट वरी। कि अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है एड्रेस प्रूफ, अभी हम भी नहीं आए हैं तब भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भाई को अकोमोडेशन की जरूरत हो, कभी मर्जी कमेंट कर देना, आधी रात को आपकी सेवा में हाजिर है, कभी भी फोन कर देना भाई, अकोमोडेशन दिला देंगे। और बोलो लेस्टर के अंदर भाई, लेस्टर के अंदर भी दिला देंगे, कहीं भी चाहिए तो बता देना आपा, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ अगर भाई दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं फिर भी जितना हो पाएगा उतना करेंगे। हाँ तो भाई कांटेक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं। आप नए हो और एयरपोर्ट से आपको लेके आना है, कि ये भी बात कई बच्चे क्या करते हैं, बोल देते हैं हम आपको ले आएंगे, उसके बाद वो नहीं आते नहीं। काफी बंदों के साथ बनी है भाई, इस वाला एक्सपीरियंस में अपना खुद का शेयर करता हूँ। जैसे ये वाला सीन था कि एयरपोर्ट से कोई लेने आता नहीं लेने आता, काफी बंदों के साथ हुआ है, बट मेरे साथ नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि मेरे को भाई साहिल भैया मिल गए थे, जिनसे मेरी बात तो एक हफ्ता पहले ही हुई थी, बट ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय, यू नो। तो मतलब काफ़ी अच्छे थे, उनको मैंने एक हफ्ता पहले बोला था कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो वो कहते कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पहले बोला एक्चुअली, कहता मेरी नाइट शिफ्ट है तो मैं आ नहीं पाऊँगा, बट मैं आपको एड्रेस और टैक्सी वगैरह बुक कर दूँगा, घर तक आ जाना। बट लास्ट मोमेंट पे उनका क्या बना मेरे को नहीं पता, उन्होंने बोला, कहता भाई मैं आ रहा हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जैसे फ्लाइट लैंड होगी कॉल कर देना, मैं खुद आ जाऊँगा। तो भाई मैंने जैसे फ़्लाइट लैंड हुई इनको कॉल की, मैक्सिमम 102 घंटा लगे मेरे को, क्योंकि इमिग्रेशन थी और लगेज कलेक्ट करना, तो वो करने के बाद जैसे मैं वेटिंग एरिया में आया, वो गाड़ी लेके आ गए, 2 दिन उन्होंने अपने पास रखा, दूसरी कंट्री में रखना अपने पास, खाना पिलाना, इट्स इम्पॉसिबल। अगर भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो, नहीं करता भाई, खुद के रिश्तेदार नहीं करते, बट उन्होंने बहुत किया। एक बात, किसी भाई को मतलब मान लो गुजराती है और उसको लैंग्वेज बैरियर, मान लो हमारी मेन लैंग्वेज हमारी हरियाणवी है, हाँ। तो हम हिंदी भी यूज कर लेते हैं, अगर किसी को भी दिक्कत हो इंग्लिश भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई हम तो देख हरियाणा थे कि मैं जिक्कर मर्जी बात कर लिए कोई दिक्कत हरियाणवी टड़ाई नहीं करते, हरियाणवी डरे भी को नहीं करते। बस वही बात है भाई, तो इसी तरीके से आपको बता रहे हैं, किसी को भी भाई को जरूरत हो तो कमेंट करो, कोई भी हो, चाहे हम जानते हो या भाई नहीं जानते हो, तो हमें आपको एक बार कमेंट कर दो, हाँ भाई मेरे को एयरपोर्ट से लेके आना है, आपको मैं गाड़ी भेज दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कहीं भी उतरना है, ठीक है, आपकी सेवा में हाजिर है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर किसी को कोई क्वेरीज हो अपने बीआरपी के, इवन जैसे अभी ना, जैसे हम खुद आए थे, हमें भी डर था कि भाई जैसे हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, कितने दिन में वीज़ा आता है, क्या प्रोसेस होती है, टेंशन फ्री हो गए भाई, कमेंट कर, मैसेज पा, फोन कर, कोई दिक्कत नहीं, जब फ्री होंगे जितने दिल से हेल्प होगी उतने करेंगे, डोंट वरी। सारी मतलब जिन चीज़ों से हम गुजर चुके हैं ना, उनका हमें एक्सपीरियंस है कि भाई इसमें इतना टाइम लगता है, ये प्रोसीजर होती है, जिस चीज़ से नहीं गुजरे जितना हो सके अपनी नॉलेज से उसका भी तुम्हें मतलब देंगे, जो भी हो पाया। तो अभी तो बस भाई इसी वीडियो से हमारा एक ही वो है, बताने का कहने का मतलब यही है भाई, किसी भी भाई को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए यहाँ पे आके, क्योंकि कंट्री ऐसी है जो सोचते हैं भाई हाँ सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं होता इतनी जल्दी, मैनेज नहीं होता, जॉब की प्रॉब्लम चल रही है। हाँ और उसके बाद बोल देते हैं आप, जॉब की प्रॉब्लम होगी, अकोमोडेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, और रेंटिंग वगैरह आजकल रेंटर बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, जो वो क्या बोलते हैं, जो रूम 200 या 300 pounds में मिल जाता है उसको 400-500 pounds में काफी, बल्कि रात में एक केस और सुनने को मिला था, कहता एक बंदे ने ना कमरा मतलब सारा घर ही रूम पे ले रखा, मतलब रेंट पे ले रखा था सॉरी, तो उसने 4 kamras थे, उसने उसमें बंदे 5 रखे हुए थे, ठीक है 5 बंदे रखे हुए थे, सब पे मतलब आधा आधा था, शेयरिंग में था कि जितना भी हाउस का रेंट है सबको शेयरिंग में देना है, जो बिल वगैरह आता था बिल भी शेयरिंग में होता था, पर बंदे ने महीने मतलब महीने का एक बिल ऐसा छोड़ रखा था कि वो खुद नहीं भरता था, कि तुम जो 4 बंदे हैं तुम भरो। तो मतलब ये भी
सही नहीं है कुछ ऐसा भी करते हो तो इन सब चीज़ों से ना बच के रहना थोड़ी। अभी जैसे मैं पहले व्लॉग वगैरह देखता था, जब डीमोंट के बारे में सर्च करता था मेरे को ये रिवर देखने को मिलती थी, तो इसका क्या नज़ारा था वो भी मैं भाई तुम्हें दिखाऊंगा कि भाई उसमें देख के अच्छा लगता था, रियलिटी में देख के ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। या ओके ओके ब्रो डोंट वरी। Yeah. Okay, boss, this is the river. So, enjoy the river and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तुम्हें और भी अंदर की दिखाएंगे, विजय पाटिल ये वो ऐसे वैसे कि क्या या थैंक यू सो मच। तो इसमें क्या कुछ होता है वो भी तुम्हें दिखाएंगे कि भाई सब कुछ ठीक है। अभी भाइयों से एक वो ही है भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना ताकि सभी भाइयों की, ताकि भाई हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि हम भाई मतलब तुम्हारे लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं तो हमें खुद हाँ खुद को भी अच्छा लगे। प्रॉब्लम उस पे आप वीडियो बनाएंगे भाई किसी हाँ। प्रकार की आप एक बार बताओ हमें, आप हमें क्वेश्चन दो उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। हमें भी थोड़ी मोटिवेशन लगे कि हाँ भाई हमें भी थोड़ी अच्छी मिल रही है इम्प्रेशन वगैरह आपसे, तो हम और अच्छा करेंगे जितना हो सकता है। जो कोई भाई सोचता भी यार मेरा कोई है नहीं भाई बहुत है यहाँ, हम खुद ऐसे आए थे हमारा कोई नहीं है, ये भाई मिला, साहिल मिला जो ही तरह से मेरे को पिकअप कर गया, उसके बाद रजत मिला, फौजी मिला, यार बहुत है यहाँ जो जेन्युइन एक से एक अच्छे बंदे हैं। और भाई है नकली भी है तो थोड़ा देख के भी रहना, हाँ, देख के रहना बंदे नकली भी हैं बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ठीक है। तो इसमें थोड़ा अपना रखना, तो चलो दिखाता हूँ तुम्हें रिवर और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।